मायरिंगोटोमी विद ग्रॉमेट इंसिशन, यह है आज का टॉपिक। कान के अंदर स्पेशली वो मिडिल पार्ट में अगर जो थिक ग्लू जैसा जमा होता है उसे कहते हैं ऑटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ये ज्यादा देर बच्चों में होता है और दोनों साइड में होता है, और इसका मेन रीजन जो है नाक के पीछे एडिनॉइड बोल के स्ट्रक्चर है, वो बड़ा होने के कारण ऐसा होने का चांसेस है। जब भी ऐसा ऑटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन होता है तो बच्चों को हियरिंग लॉस होता है, तो सुनने में दिक्कत होता है और उनका स्कूलिंग बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन में हमें वो ईयर ड्रम में छोटा सा इंसिशन का डाल के जो थिक ग्लू है उसको कंप्लीट निकाल के एक ग्रॉमेट रखते हैं। तो ये प्रोसीजर बाइलैटरल मायरिंगोटोमी विद ग्रॉमेट इंसिशन, ये मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो ये मायरिंगोटोमी ग्रॉमेट जो है बहुत सारे कंडीशंस में करते हैं, तो इसका कॉमनेस्ट इंडिकेशन जो है ऑटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन है। तो ये टॉप ये सर्जरी बताने के पहले मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगा ताकि आप ठीक से समझें। तो पहले डायग्राम देखेंगे तो ईयर ड्रम में थोड़ा सा छोटा सा इंसिशन बना रहा हूँ। सेकेंड डायग्राम में इंसिशन के ऊपर जाके ऊपर एक ग्रॉमेट लाके बिठाऊंगा, और बिठाने के बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये ग्रॉमेट ठीक से ईयर ड्रम के अंदर बैठ जाएगा। ये चारों डायग्राम है, अभी मैं आपको सर्जरी बताऊंगा, सर्जिकल स्टेप्स बताऊंगा। तो सर्जरी में देखेंगे, जैसे मैं पहले बताया था ईयर ड्रम में छोटा सा इंसिशन कर रहा हूँ, और ग्रॉमेट को ठीक से बैठने के लिए उसका विड्थ थोड़ा इंसिशन के विड्थ ठीक होना चाहिए। वो ठीक करने के बाद ग्रॉमेट एक फोर्सेप्स में पकड़ के ठीक से वो इंसिशन के ऊपर वो गैप में बिठाना है। गैप में बिठाने के बाद थोड़ा से मैनिपुलेट करेंगे तो गैप में ठीक से बैठ जाएगा वो। आप देखें तो ईयर ड्रम में जो प्रोसीजर कर रहा हूँ कुछ ब्लीडिंग नहीं है, और 5 मिनट में प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा। और ये माइक्रोस्कोप से नहीं, लेटेस्ट ऑटो एंडोस्कोपी से किया जाता है, और एक प्रोसीजर में 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। दोनों ईयर में 5-10 मिनट 15 मिनट से शिफ्टिंग का टाइमिंग चाहिए, 15 मिनट के अंदर दोनों कान का हो जाएगा। और इसका कॉम्प्लिकेशंस ज़रा पेशेंट्स में, थोड़ा पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने का चांसेस है, और डिस्चार्ज होने के बाद जब भी कान में पानी जाता है तो ईयर इन्फेक्शन होने का चांसेस है। 6-8 महीने के बाद ये जो ग्रॉमेट रखे हैं वो अपने आप बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो इंसिशन हमें डाला पहले ये बंद नहीं होता, तो वो परफ्रेशन होकर बदल जाता है। ये है इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। तो ये वीडियो में मेनली आपको इसका सर्जिकल स्टेप्स बताने के लिए मैंने डाला है। नमस्ते।